अरे भाभी भी क्या चांस मिला है, आज तो मेरी बीवी भी घर पे नहीं है, सारा दिन मजे करेंगे। और अच्छा है वो अपने मायके चली गई, वैसे भी वो होती है ना, तो यार मुझे तुमसे मिलने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आज तो हमारे पास सारा दिन है, फुल मजे करेंगे। चलो अब जल्दी से सोते हैं। राज, ईसा, तुम यहाँ क्या चल रहा है? ईसा भाग, ईसा तुम यहाँ, तुम अचानक से कैसे, तुम तो काफी दिन बाद आने वाली थी ना। मुझे ना तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कब आने वाली थी और कब नहीं, पहले तुम ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है, मेरे पीठ पीछे तुम ये सब करते हो। अरे नहीं ईसा, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम समझ रही हो ना गलत समझ रही हो। अच्छा तो मैं गलत समझ रही हूँ, मुझे ना ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने ना सब अपनी आँखों से देखा है, समझे तुम। अरे ये ना मेरी दोस्त है, कल रात को ये यहाँ से गुजर गई थी, इसकी गाड़ी खराब हो गई तो बस ये मेरे पास रुक गई। अच्छा तो ये दोस्त है तुम्हारी, और दोस्ती ऐसे निभाई जाती है वो भी बिस्तर पे लेट के। राज मुझे ना ज्यादा पागल मत समझो, और अगर इसकी गाड़ी खराब होती ना तो गाड़ी घर के बाहर होती, मुझे तो बाहर कोई गाड़ी नहीं दिखी। अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये सच में मेरी दोस्त है, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। राज मुझे ना ज्यादा पागल बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ना सब कुछ देख लिया तुम्हें करते हुए। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अच्छा राज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर ये तुम्हारी दोस्त नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें क्या लगा मैं इसे देख के गुस्सा हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी राज मुझे तो अच्छा खासा बहाना मिल गया तुमसे ना डाइवोर्स लेने का, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे बताऊंगी, तो मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और मैं तुमसे नहीं उससे प्यार करती हूँ। अब तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे पास भी गर्लफ्रेंड है जिससे तुम प्यार करते हो, और मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो अब तो मैं उससे आसानी से मिल सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, और तुमसे आराम से डिवोर्स भी ले लूंगी। चलो अच्छा हुआ कि सारी सच्चाई खुद ब खुद ही बाहर आ गई, तो अब तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला सकती हूँ ना तुम्हारे सामने। तुम सच बोल रही हो ईसा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा चलो ठीक है, वैसे मैं ना तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, रोहित खड़ा हो जा। राज ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ ये ना मेरा दोस्त है, और तुम्हें पता है मैंने ना आज तुम्हारे घर पर फोन किया था तुम्हारे बारे में जानने के लिए, तो तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम घर से निकल चुकी हो, तो मुझे पता था तुम आने वाली हो, बस इसी को लेकर ना मैंने इसके साथ एक प्लान बनाया कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक करता हूँ, लेकिन देखो मेरा छोटा सा प्रैंक ना सीरियस में बदल गया और तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुमने खुद अपने मुंह से बोला है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो। अरे राज मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जैसे तुमने मेरे साथ प्रैंक किया वैसे मैं भी तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। चुप करो, मुझे ना ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी जो तुमने बोला है ना उसका एक एक वर्ड सच है, और प्रैंक तुम नहीं मैं कर रहा था, और हाँ क्या बोला तुमने डाइवोर्स की, तो तुम मुझे क्या दोगी, मैं तुम्हें दूंगा। देखो राज ऐसा कुछ भी मत करो, और मेरा जो भी बॉयफ्रेंड है मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन तुम मुझे डाइवोर्स मत दो। नहीं नहीं सर कोई जरूरत नहीं है उसे छोड़ने की, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे आजादी चाहिए थी ना, और अभी तुमने अपने मुंह से बोला कि तुम्हें एक बहाना चाहिए मुझसे डाइवोर्स लेने का, तो अब तुम्हें मिल रहा है बहाना, तो मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम रहो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। राज मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो तो मैंने जल्दबाजी में बोल दिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है। नहीं सर मुझे ना कुछ नहीं सुनना, समझी तुम, और तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, और रही बात डाइवोर्स की तो उसके पेपर ना मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, अब मिलते हैं सीधा कोर्ट में। राज मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला ना कुछ नहीं सुनना मुझे, निकलो अब यहाँ से।